नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। मैं रोशनलाल सारण आज आपके लिए रिलेटिविटीज का लास्ट, यानी जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक एक बच गया था वो आज लेके आया हूँ। उसका नाम है एब्रेशन यानी रिलेटिविटीज ट्रीटमेंट। इसमें क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि टू ऑप्टन द रिलेटिविटीज फॉर्मूला tan alpha dash is equal to tan alpha 1 minus v square upon में c square 1 by 2 upon में 1 minus v upon में c sec alpha। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी देखना। इसमें हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन हमारी वही रहेगी कि सिंस हम मानेंगे कि हमारे पास में टू फ्रेम्स हैं, एक s है और एक s dash है। s dash है वो s के सापेक्ष एक्स एक्स के सापेक्ष नियत वेग v से गति करेगा, और इसमें एक पॉइंट P है वो एक्स एक्स के साथ में अल्फा कोण बनाता है, और S जो S फ्रेम है उसके साथ में अल्फा कोण बनाता है एक्स एक्स के सापेक्ष, और जो हमारे पास में S डैश फ्रेम है उसके साथ में अल्फा डैश कोण बना रहा है, और किसके सापेक्ष बना रहा है, जो हमारी रेखा है एक्स एक्स के सापेक्ष एंगल बना रहा है। पीछे हम निकाल के आए हैं यू एक्स यू डैश एक्स। यू एक्स हमने एक तरीके से वेग निकाला था, वेलोसिटी निकाली थी। यू डैश एक्स जो हमने एस डैश निर्देश तंत्र के लिए वेग निकाला था, इसी तरीके से यू वाई डैश। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी हमारी कि ये फ्रेम जेड एक्स के सापेक्ष नहीं है, ओनली फॉर टू ही प्लेन है यहाँ पे, एक तो एक्स वाई प्लेन में है, यानी एक्स डैश और वाई डैश प्लेन में ही है ये कोऑर्डिनेट, ठीक है डायग्राम। तो यहाँ पे यू जेड और यू जेड डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सी कोस अल्फा, यू वाई इज इक्वल टू माइनस सी कोस साइन अल्फा, सॉरी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर हमेशा क्या होता है साइन, ऊर्ध्वाधर हमेशा साइन में लेते हैं, और जो क्षैतिज होता है वो हमेशा किस में लेते हैं, कोस में लेते हैं। तो इसी तरीके से ये तो हमारे पास था एस के लिए, एस निर्देश तंत्र के लिए था, इसी तरीके से एस डैश निर्देश तंत्र की बात आती है तो यू एक्स डैश करेंगे तो ये हमारे पास में सी कोस अल्फा डैश बनेगा, यू वाई डैश करेंगे तो ये बनेगा माइनस के सी साइन अल्फा डैश, और यू जेड डैश इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास में कंडीशन है कि ये एक्स वाई प्लेन में है, जेड प्लेन में नहीं है, तो यहाँ पे यू एक्स यू जेड और यू जेड डैश हमारे पास में जीरो हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ये फॉर्मूला हमें सिद्ध करना है, इस पर ज़्यादा फोकस देना है, और हम निकाल के आए हैं पीछे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाई, हम यहाँ पे लिखेंगे बाई लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से एक्स डैश इज इक्वल टू बीटा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू बीटा टी माइनस वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर, और बीटा इज इक्वल टू लिखेंगे वन अपॉन में वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये कंडीशन रहती है दोस्तों। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे पास में यहां पे ये तो मान जीरो ही रहेगा, यहां पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते, क्योंकि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमने एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र में निकाली थी, लेकिन बट यहां पे कौन सी कंडीशन है, एक्स वाई प्लेन की है, तो जेड यहां पे नहीं आएगा, अगर इसको नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इसको कट कर दो यहां से। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो डी एक्स डैश इज इक्वल टू बीटा डी एक्स माइनस वी डी टी, इसका अवकलन कर दिया हमने। इसी तरीके से डी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई, और डी टी डैश इज इक्वल टू बीटा डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर।
सभी का हमने अवकलन कर लिया। अवकलन करने के बाद में हम क्या निकालेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि यू एक्स डैश और यू वाई डैश क्या होता है। यू एक्स डैश और यू वाई डैश क्या होता है दोस्तों, यू एक्स डैश हमारे पास में इस तरीके से निकल के आता है कि डी एक्स डैश अपॉन में डी टी डैश, और यू वाई डैश होता है डी वाई डैश अपॉन में डी टी डैश। ये होता है, ये ऑलरेडी सभी को पता है। चलिएगा, तो मैं क्या करूं अब यहां से देखिएगा कि डी एक्स डैश अपॉन में डी टी डैश करूं तो बीटा डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन में डी टी का भाग लगाएंगे तो बीटा डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ डी टी का भाग देते हैं, अगर डी टी का भाग देते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, डी एक्स अपॉन में डी टी माइनस वी अपॉन में ये वन बनेगा माइनस वी अपॉन में सी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन में डी टी। ये क्या कर दिया, ऊपर और नीचे यानी डिटर्मिनेट और न्यूमरेटर, डिमिनेटर और न्यूमरेटर में यानी अंश और हर में क्या किया हमने, डी टी का भाग दिया। तो भाग देने पर हमारे पास में कंडीशन बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, यू एक्स डैश बोलेंगे, यू एक्स डैश बोल दिया। इसको क्या बोलेंगे, यू एक्स बोलेंगे माइनस में वी अपॉन में वन माइनस वी अपॉन में सी स्क्वायर, इसको बोलेंगे यू एक्स। यहां तक क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। ये कंडीशन हम पीछे सिद्ध करके आए हैं, क्वेश्चन मेरी क्लासें हो चुकी है, काफ़ी हो चुकी है, रिलेटिविटी से जो सेकेंड चैप्टर आपका चल रहा है उसमें, तो आप कंटिन्यू क्लास देखिएगा, वहाँ से आपको बेहतर समझ में आएगा, मेरा मानना तो यही है। अब देखिएगा, हमने इसमें तो भाग दे दिया, लेकिन अब हमें यू वाई डैश निकालना है। यू वाई डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, डी वाई डैश अपॉन में डी टी डैश करेंगे, तो ये हमारे पास में डी वाई है अपॉन में बीटा डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां पर क्या करेंगे, यू वाई डैश इज इक्वल टू पूरे में डी टी का भाग देंगे, अंश और हर में डी टी अपॉन में बीटा वन माइनस v अपॉन में सी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। ये हमारे पास में हो जाएगा यू वाई अपॉन में बीटा वन माइनस वी अपॉन में सी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा यू वाई सॉरी यू एक्स। ठीक है, नीचे सेम वैल्यू रहेगी। ये मान आने के बाद में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, दो इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में बनेगा यू एक्स डैश अपॉन में यू वाई डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू है हमारे पास में यू एक्स माइनस वी अपॉन में वन माइनस वी अपॉन में सी स्क्वेयर यू एक्स। इसमें भाग देंगे तो ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, बीटा वन माइनस वी अपॉन में सी स्क्वेयर यू एक्स अपॉन में यू वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बीटा यू एक्स माइनस वी अपॉन में यू वाई, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में। ये बढ़ने के बाद में हम इसको चेंज कर देंगे, एक में दो का भाग दिया था, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, यानी यू वाई डैश अपॉन में यू एक्स डैश, या तो आप डायरेक्टली दो में एक का भाग दे सकते हो, या मैंने जो कंटिन्यू चल रहा है उसके
प्रोसेस के हिसाब से मैंने क्या किया, एक में दो का भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, या आप दो में एक का भी भाग देख सकते हो डायरेक्टली। आपको कंडीशन वही लेके आनी है, यू वाई अपॉन में बीटा यू एक्स माइनस वी, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें ऑलरेडी हम जो स्टार्टिंग में लेके चले थे उसका मान हमें यहाँ पे पुट करना है। स्टार्टिंग में लेके चले थे वो मैं आपको मान वहाँ दोबारा दिखा देता हूँ, यह देखिएगा यू एक्स का मान सी कोस अल्फा, यू डैश एक्स का मान सी कोस अल्फा डैश, यू वाई का मान ये रहा, यू डैश वाई का मान ये रहा। ये सभी के सभी मान इक्वेशन नंबर थ्री में रखते हैं, इक्वेशन नंबर थ्री आपकी ये आ गई। इसमें रखोगे आप तो आपके पास में क्या प्राप्त होगा, यहाँ से यू वाई डैश का मान कितना है, माइनस के सी साइन अल्फा डैश अपॉन में यू एक्स डैश का मान कितना है, सी कोश अल्फा डैश इजिकल टू। हमें क्या लेके आना है, हमने क्यों किया, वापस चेंज क्यों किया, यानी मैंने ये ही क्यों बोला कि दो में एक का भाग देना है, क्योंकि हमें जो कंडीशन सिद्ध करनी है वो टेन की करनी है, और हम जानते हैं टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। तो साइन जिसका मान है उसमें कोस का भाग देंगे तो ही हमारे पास में टेन बनेगा, यानी यू वाई डैश में सी कोस यू एक्स डैश का भाग देंगे तो ही हमारे पास में टेन बनेगा, अन्यथा हमारे पास में कोट बन जाएगा, इसको वापस से हमें चेंज करना पड़े। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्टली दो में एक का भाग दे सकते हो या एक में दो का भाग कर देने के बाद में उसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे यू वाई का मान कितना आ जाएगा, माइनस के सी साइन अल्फा अपॉन में ये हमारे पास में बनेगा बीटा, और यू एक्स का मान कितना है, सी कोस अल्फा माइनस वी। अब देखो सी से सी कैंसिल कर दो, सी से सी कैंसिल हो जाता है यहाँ से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से देखते रहिएगा हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाता है, ये माइनस का बनेगा ना, वैल्यू बनेगी माइनस की, और ये बनेगा टेन अल्फा डैश, टेन अल्फा डैश वो ही किसका बना है, माइनस का इजिकल टू। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है, यानी हम इसमें पूरे में साइन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लें, तो मेरे पास में माइनस के सी साइन अल्फा है, अपॉन में देखो बीटा है एक तो, और एक हमारे पास में सी कोस अल्फा माइनस वी है। इस पूरे से मैं क्या करूँ, कोस को कॉमन ले लूँ, सी कोस को, तो सी और ये बनेगा सी कोस अल्फा वन माइनस वी अपॉन में सी कोस अल्फा, ये वैल्यू बन गई। यहां तक सभी को समझ में आ गया ना। अब देखिएगा यहां तक सभी के क्लियर हो गया, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, माइनस के सी साइन अल्फा अपॉन में ये ऊपर जाएगा तो सी कोस अल्फा अपॉन में ये वैल्यू बनेगी बीटा वन माइनस वी अपॉन में सी और ये बन जाएगा सेक अल्फा, क्योंकि वी नो दैट हम जानते हैं कोस अल्फा इजिकल टू वन माइनस वन अपॉन में सेक अल्फा होता है, होता है, तो इससे वन अपॉन में कोस होगा तो वो सेक अल्फा हो जाएगा। इतना करने के बाद में माइनस के टेन अल्फा डैश इजिकल टू सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के टेन अल्फा अपॉन में बीटा वन माइनस वी अपॉन में सी सेक अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या आएगा, टेन अल्फा इजिकल टू टेन अल्फा अपॉन में बीटा वन माइनस वी अपॉन में सी
शेक अल्फा। अब स्टार्टिंग में हम लेके चले थे, हमें पता है बीटा का मान होता है 1/(v²/c²)^(1/2) होता है। अगर मैं इसको करूं 1/(β), ये बनेगा 1-v²/c²^(1/2). तो यहाँ पे हम मान रखेंगे tan α'=tan α/(1-v/c sec α) और 1/β का मान कितना है 1-v²/c²^(1/2). हैंस प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। यही हमें सिद्ध करना था। एक बार वापिस से बता देता हूं थोड़ा सा कि ये ओनली 4xy प्लेन में है। हम लेके चले थे s का p के साथ कोण अल्फा है, s डैश के साथ में अल्फा डैश है। ये मान हम ux का मान, ui का मान, ux डैश का मान, ui डैश का मान हम लेके चले थे। मैंने बताया था अभी क्षैतिज कोस के सापेक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर साइन के सापेक्ष होता है। तो c cos अल्फा माइनस के सी साइन अल्फा। यू जेड का मान यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि जेड प्लेन भी नहीं है हमारे पास में। इसी तरीके से इसका डैश है तो डैश लग जाएगा। अब लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्या किया था, एक्स डैश वाई डैश टी डैश का अवकलन किया था। अवकलन करने के बाद में हमने क्या किया था, डी टी का भाग दिया था, डी टी डैश का। डी टी डैश का भाग देने के बाद में हमारे पास में कंडीशन ux डैश वाली और ui डैश वाली बन जाती है। अब इसके बाद में हमने, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, दो नंबर इक्वेशन में एक नंबर इक्वेशन का भाग दे सकते हो, या एक में दो का भाग देने के बाद में वापस से चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमें बनाना क्या है, टेन बनाना है। इसके बाद में आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तीसरे चैप्टर के साथ कुछ नए अंदाज में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आने वाली प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले और आप इसका लाभ भी सर्वप्रथम उठा सकें। तो मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।